हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। सुबह के 10 बज रहे हैं और जस्ट अभी सो के उठा हूं मैं। और आज है शनिवार, तो आज मस्ती करने वाले हैं बहुत सारी। चलते बाहर। और नालिया, हाँ। शनिवार को नालिया तो मतलब सुबह सुबह नालिया ना, तो आप उठ गए हो? मैं भी सो रहा हूँ। तो गाइज रात के 10 बज रहे हैं और खाने का टाइम हो गया। आज स्वाति ने बनाएगा मज़ेदार कचौड़ी, चटपटी मोमोज वाली चटनी, खीर। तो आ जाओ जिस चीज़ को खाना खाना है, वरना बाद में मत कहना बुलाया नहीं। तो देखा आपने लापरवाही का नतीजा। शनिवार को सिर्फ मैं 30 सेकंड का ही ब्लॉग बना पाया, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। तो आज है संडे। अब मैं नया एक जरूरी सूचना देना चाहता हूँ आपको। तो आज का ब्लॉग अब स्टार्ट करते हैं। आज ही बना के आज ही डालूंगा। चलो आज आपको बताते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन। तो गाइस सुबह का नाश्ता चाय और पोहा, ये नया वाला कप जो अभी हमने बेबी चावल में बनवाए थे, बच गए तो हमने यूज़ कर लिए। तो आज नाश्ता कर लो, जिसे करने बाद में कहना बुलाएंगे। तो गाइस आज है संडे और ये आज ही सुबह के 10 बज रहे हैं और अभी ब्लॉग बना के मैं अभी डाल रहा हूँ, बस सिर्फ आपको एक चीज़ बताने के लिए। क्योंकि मैं शनिवार को कल मैंने बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं बना पाया। इसका कारण मैं आपको बताऊँगा क्यों। पहले चलते हैं एक बार स्वाति से मिलवाता हूँ आपको। स्वाति की तबीयत ख़राब हो गई है, आइए। ये देखिए, सुबह से सो के उठी, पोहा खाया, फिर लेट गई। स्वाति कैसा हो रहा है? अच्छा ही लग रहा है, लेट ही रहो, कोई बात नहीं। तो गाइज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे घर पे मिलने आता है, अच्छी बात है, आप लोग आते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और लेकिन बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ बुरा मत मानना जो भी आता है और जो आया है और जो आने वाला है। उसको मैं पहले कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ अभी मत आना, क्योंकि स्वाति का 7वां महीना स्टार्ट हो चुका है, सॉरी 7वां महीना चल रहा है, 8वां महीना आने वाला है। तो अब मैं आप लोगों को स्वाति से बिल्कुल भी नहीं मिलवा पाऊँगा। मैंने कल मिलवा दिया था, 2-3 दिन से लगातार मिलवा रहा हूँ और कल तो पूरे दिन लोग आए। और कल मैं व्लॉग भी नहीं बना पाया, कल सुबह से लेकर शाम तक फ्रेंड आप सब आए थे मिलने, तो अच्छा लगा हमें। लेकिन उस चक्कर में मैं अपना व्लॉग नहीं बना पाया और स्वाति की भी तबीयत खराब हो गई। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप लोगों की वजह से ऐसा हुआ, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ जब तक डिलीवरी ना हो, डिलीवरी के 10 दिन बाद तक आप अभी मेरे घर पे मत आइए, क्योंकि स्वाति की तबीयत ख़राब है और स्वाति का 8वां महीना शुरू हो गया। तो इस वजह से मैं आप लोगों से बिल्कुल भी नहीं मिलवा पाऊँगा जब तक स्वाति डिलीवरी नहीं दे देती। डिलीवरी के 10 दिन बाद तक मैं स्वाति से आपको नहीं मिलवा पाऊँगा। आप इतनी दूर से आएंगे और उसके बाद कहेंगे हमें स्वाति से नहीं मिलवाया, तो इसलिए मैं पहले ही आप लोगों को बता रहा हूँ। थक गया मैं थोड़ा सा हाथ तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अभी मैं आप लोगों को स्वाति से बिल्कुल भी नहीं मिलवा पाऊँगा। बाद में फिर आप कहोगे कि यार हम इतने दूर से आए हैं, स्वाति से मिलवा दो। क्योंकि ऐसा होता है, आप लोग बाहर से आते हो, पता नहीं कैसा क्या होता है, ज़मीन पर पड़ा रहता है, पैर है नांगने का, ऐसा मेरे को बिल्कुल भी यकीन नहीं। लेकिन अब भाई बच्चे वाली बात है तो मेरे को भी ये सारी बातें माननी पड़ेंगी। जैसा मेरे मम्मी पापा ने बोला है तो वैसा ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि प्लीज़ अभी मेरे घर पे मत आइए जब तक हमारी डिलीवरी नहीं हो जाती। और डिलीवरी के 10 दिन बाद से आप आएंगे तो बिल्कुल मैं आप लोगों को मिलवाऊंगा, बट अभी मैं आपको स्वाति से नहीं मिलवा सकता। हाँ, अगर आपको मेरे से मिलना है तो मैं आपसे बाहर ही मिल पाऊंगा, घर के अंदर मैं फिर भी नहीं लेके आ पाऊंगा। अभी सिर्फ 2 महीने, इसलिए मेरी प्रॉब्लम समझिए। अभी तक मैं सबको आते थे अंदर, घर पे बैठाता था, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाता था। और मैं ये नहीं कह रहा अपनी वो कर रहा हूँ, बस अब नहीं करवा पाऊँगा 2 महीने तक, उसके लिए सॉरी। तो अभी आप लोग बिल्कुल भी मत आइए घर पे, बस, क्योंकि वैसे ही स्वाति की तबीयत ख़राब है, ब्लॉग वैसे नहीं बन रहे, आप लोग आ जाते हो तो मैं वैसे ही ब्लॉग नहीं बना पाता। सिर्फ 2 महीने, प्लीज़ समझो यार, मेरे को गाली देनी है गाली दे दो, जो करना है कर लो। मैं अपने बच्चे के लिए बोल रहा हूँ, उसको अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं फिर परेशान हो जाऊँगा। प्लीज़ ये 2 महीने आप लोग मेरा साथ दे दो, कोई मत आओ अभी घर पे, ठीक है? लव यू। अभी के अभी ब्लॉग डाल रहा हूँ, जितना बना है 3-4 ही मिनट बना होगा, कल ब्लॉग बनाया ही नहीं था।
तो इस ब्लॉग कहीं पे एंड करते हैं। कैसी लगी इन्फॉर्मेशन, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल। अब आज नया ब्लॉग स्टार्ट करना पड़ेगा भैया।